यही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूं कि वो नागिन मेरे रूप में आई ताकि आपके जहन में शक पैदा कर सके कि मैं एक नागिन हूं और आप लोग मुझे देखते ही गोली मार दें। और फिर पुलिस आप लोगों को गिरफ्तार करके ले जाए। और उसका बदला पूरा हो जाए। फिर तुम इतने दिन से थी कहां? अम्मी जान, मुझे रायान की बहुत याद आ रही थी, तो इसी तरह मैं एक रात रायान को ढूंढने के लिए निकल गई। रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। और मैं बेहोश हो गई। और जब हॉस्पिटल में मेरी आंख खुली तो लोगों ने बताया कि मैं पिछले एक हफ्ते से वहीं पर हूं। और अभी सीधा हॉस्पिटल से ही हवेली पहुंची। और मैं तो अब्बा से भी नहीं मिल सकी, इसीलिए अब्बा पुलिस को लेकर आए। मुस्कान बेटा, मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई है। जाओ अपने कमरे में आराम करो। जी डैड। इश्फाक, मुस्कान को तो खुद अपने हाथों से मारा था हमने और ये जिंदा है। मुझे जरूर कोई चक्कर लगता है। कोई चक्कर वक्कर नहीं आरफा, बिना वजह कहानी में ट्विस्ट पैदा मत करो। मुस्कान का जिंदा होना क्या यह साबित नहीं करता कि वो सच बोल रही है? आंटी जी, मैं तैयार हूं। क्या बात है, आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आओ माया, अपनी आंटी को समझाओ ये ऐसी बिला वजह परेशान हो रही है। माया, कोई मरने के बाद वापस आ सकता है? कैसी बातें कर रही हैं आंटी, जो एक दफा मर गया वो तो मर गया। अच्छा ये बताओ, जग्गू कहाँ है? पता नहीं आंटी, मैंने पूरा घर ढूंढ लिया है लेकिन मुझे जग्गू कहीं नहीं मिला। हो सकता है शायद बाजार गया हो। अलीमा? जी बाजी। लापरवाही की हद होती है, कहाँ गायब थी तुम? बाजी वो मैं बच्चों से मिलने गई थी, आइंदा ऐसी कोताही नहीं होगी। बाजी ये कौन है? मैं तारुफ करवाना भूल गई, ये माया है।
हमारी मोहसन, हमारी हमदर्द। इसने जंगल में हमारी बहुत मदद की। बाजी आप इसे हवेली में क्यों लेकर आ गई हैं? ये क्या फजूल सवाल है? मेरा घर है, जिसे चाहूं लेकर आऊं। तुम कौन होती है पूछने वाली? वो बाजी मेरा मतलब था, आपने बहुत अच्छा किया जो इसे हवेली में लेकर आ गई हैं। चाय लेकर आओ मेरे लिए, मेरे सर में दर्द हो रही है। जी बाजी, लेकर आती हूँ। और माया, चाय मेरे कमरे में भिजवा देना। जी। तेरा आखिरी वक्त आ गया है, अपने गुनाहों की माफी मांग ले। एक मिनट रुको मुस्कान, मैं जानती हूं कि तुम जिंदा हो और माया का रूप लेकर इस हवेली में रह रही हो। तूने मेरा एतबार तोड़ा, बहन होके बहन को कत्ल करवाया। किसे कत्ल कराया मैंने? मुझे। अच्छा, तुम तो जिंदा सलामत मेरे सामने खड़ी हो। वो तो ना जाने मैं किस तरह जिंदा रह गई, लेकिन तूने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि तुम जिंदा कैसे बच गई, मगर मेरे पास है। कैसे बच गई मैं? पहले बंदूक नीचे करो और सुकून से मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन आए तो ठीक है, और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना आए तो बेशक ये गोली मेरे सीने में उतार देना, मैं उफ तक नहीं करूंगी। बोल झूठ। झूठ नहीं, सच है मुस्कान। याद करो, जब तुम्हें गोली लगी थी और तुम मेरे कमरे में आई थी, तुमने कुछ पिया था? हाँ, पानी पिया था। वो आबे हयात था। आबे हयात तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? मुझे वो आबे हयात पाशी ने दिया था, और उस आबे हयात की ताकत ये है कि कोई भी इच्छाधारी नागिन अगर एक बार वो आबे हयात पी ले तो वो मरने के बाद दोबारा जिंदा हो सकती है, और इसीलिए तुम जिंदा बच गई। अगर मैं तेरी बात मान भी लूं कि तू सच बोल रही, तो ये बात कैसे भूल जाऊं कि हवेली वालों के सामने तूने ही मुझे पेश किया था। मैंने तुम्हें आपे हयात पीते हुए देख लिया था, और मैं जानती थी कि तुम जिंदा बच जाओगी। मैं तुम्हें पटारी में डालकर बाहर लेकर जा रही थी, रास्ते में मुझे सलमान मिल गया और उसने मुझसे वो पटारी छीन ली। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तू सच बोल रही? तू मेरी बहन है, कितनी दफा तूने मेरी जान बचाई है। मैंने तो सिर्फ तेरे एहसानों का बदला चुकाया था, लेकिन अगर अब भी तुझे यकीन नहीं आता तो ये ले, तो चला दे गोली, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। मार, मारती क्यों नहीं? मुझे माफ करना, मैं पहले तुम्हारा मंसूबा नहीं समझ। अब तो समझ गई हो ना? हाँ, मेरी गलतफहमी दूर हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें माफ किया, आओ मेरे गले लग जाओ। आइए जहां पर ना, आइए आइए।
जहां अपना ये है पाशी का डेरा। गुड, वेरी गुड। चलो अंदर चलो। जहां अपना मैं यहां बाहर ही आपका इंतजार करूंगा, आप लोग अंदर जाएं। क्यों कासू डर क्या? सल्तनत नेवदिया के बादशाह शहंशाह जहां पना किंग सालाज मेरे साथ हैं, तो कासू कैसे डर सकता है? बस पाशी के जरिए ये बात सजना तक चली गई तो आपका ये गुलाम मारा जाएगा। मस्ताने, चलो अंदर चलो, पाशी से मिलने का वक्त आ गया। सवालों का जवाब तुम्हें मिलेगा पाशी। आपकी तारीफ? तारीफ तो तुम्हारे हुस्न की करनी चाहिए पाशी। हम तो तारीफ से काम लेते हैं। सलाज तलाश नाम है हमारा, सल्तनत नेवलिया के बादशाह द किंग सलाज। बादशाह को पाशी का सलाम। सलाम नहीं चाहिए पाशी, तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? हम क्यों करें आपकी मदद? अपनी जान बचाने के लिए। सदियों साल पुरानी दुश्मनी चंद लम्हों में दोस्ती में बदलना चाहते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। फिक्र मत करो पाशी, इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। काम बताएंगे आप, आसान है या मुश्किल ये हम बताएंगे। मुझे तुम्हारी नागिन सरम जहां की नाक मनी चाहिए। एक नेवले को एक इच्छाधारी नागिन की नाक मनी चाहिए, और एक ऐसी इच्छाधारी नागिन जिसकी मालकिन पाशी है, नामुमकिन। हम अगर इनकार कर दें तो पाशी किंग सलाज को ना सुनने की आदत नहीं है। जो आदतें सेहत के लिए बुरी होती हैं उन्हें फौरन खत्म कर देना चाहिए। हमारी फिक्र ना करो, अपनी फिक्र करो पाशी। हमें नागमनी का रास्ता बताओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नागमनी हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास होती तो हम कभी तुम्हें नहीं देते। सालाज, ये तुम्हारी सल्तनत नहीं है,
ये पाशी का डेरा है और इस डेरे में पाशी रानी है। वाह वाह पाशी वाह, गुस्सा तुम्हारे हुस्न को चार चांद लगा देता है पाशी। मुझे ऐसी औरतें बहुत पसंद हैं जो गुस्से के साथ साथ हिम्मत भी रखती हो। और पाशी को ऐसे मर्द सख्त नापसंद हैं जो औरतों के साथ जबरदस्ती करते हो। अभी जबरदस्ती तुमने देखी कहाँ है पाशी? जल्दी से मुझे नागमणि का रास्ता बता दो, वरना मस्तानी एक इशारे पे तुम्हें जहन्नम बन जा देगी। जहन्नम। हमने कहा ना, हमारे पास नागमणि नहीं है। तो फिर कहो। मालिक, हुक्म मालिक। हुक्म के बच्चे कहाँ है तू? मालिक, मैं जंगल में सांप पकड़ने आया हूँ। नाग को गोली मार और अभी और इसी वक्त डेरे पर पहुंच। कौन हो तुम? मेरे मालिक के कमरे में क्या कर रही हो? चलो जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ यहां से। चलो, मेरे मालिक ने देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। चलो निकलो बाहर। इसका मतलब है कासू, अगर तुम हमें नहीं पहचान पाए तो हवेली वाले भी नहीं पहचान सकेंगे। मालिक, मैं सचमुच आपको नहीं पहचान पाया, बिल्कुल भी नहीं। हाँ कासू, हम इस रूप में हवेली जाएंगे और मुस्कान को दिलभर के करीब लाएंगे। मालिक, आप मुस्कान को दिलभर के करीब करेंगी तो दिलभर आपसे दूर हो जाएगा। नहीं कासू, दिलभर ने हमसे वादा किया है, वो अपने मकसद में कामयाब होने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमारा होगा, सजना का। फिर ठीक है मालिक। मालिक, हाँ, आप सनम जहां और मुस्कान की नजरों से कैसे बच पाएंगी? वो तो फट में आपको पहचान लेंगी। इसका भी बंदोबस्त कर लिया है हमने कासू। ये अंगूठी देख रहे हो, सुलेमानी अंगूठी कहते हैं इसे। इसे पहनने के बाद हवेली में हमें नागिने भी नहीं पहचान पाएंगी। अरे वाह, अरे वाह, सुलेमानी टोपी तो सुना था, सुलेमानी अंगूठी आज देखी। मालिक, एक बात कहूं? हाँ कहो कासू। मालिक, आपने मोहब्बत की खातिर जितनी कुर्बानियां दी हैं, अगर दिलबर अपना एजेंडा पूरा करने के बाद अपने वादे से मुकर गया तो?
हरगिज नहीं कासू, दिलबर ने हमें जबान दी है और अगर वो अपनी जबान से फिरा तो दिलबर को हम अपने हाथों से मारेंगे। मोहब्बत में जान देते तो सुना था, लेते नहीं। मोहब्बत में जान लेने की रस्म हम डालेंगे। बताती हूँ, सनम जहां के पास है नागमणि, उसने हार बना के अपने गले में डाली हुई है। बहाने बनाना बंद करो पाशी, नागमणि हमारे हवाले करो। रुक जाओ बस्ताने, रुक जाओ। पाशी सच कह रहे, मैंने खुद वो नागमणि सनम जहां के गले में लटक भी देखी है। जिंदगी मुबारक हो पाशी, सच बोलती रहोगी तो जिंदा रहोगी, और जिस दिन झूठ बोलोगी मौत की नींद सुला दी जाओगी। सुनो पाशी, दिलबर को जानती हो? दिलबर? दिलबर? मैं किसी दिलबर नाम के इंसान को नहीं जानती। इंसान नहीं, शैतान है। शैतान, बहुत पुराना शैतान, नागों का राजा। नागों का राजा दिलबर एक नेक बाकरा से गुर्बत के बाद ऐसा बच्चा पैदा करना चाहता जिसकी शैतानियत सबसे आगे होगी और उसकी ताकत का कोई सानी नहीं होगा। वो बच्चा इस दुनिया से इंसानियत मिटाकर इसे जहन्नुम बना देगा। अगर दिलबर नहीं मरा तो सब इंसान मर जाएंगे, और तुम भी पाशी, इसलिए मैं कह रही हूं हमारी मदद करो। पाशी, ये नाग राजा दिलबर सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि इस दुनिया में बसने वाली तमाम मखलूकों के लिए खतरा है। दिलबर की मौत सबके लिए जीने की उम्मीद है, और दिलबर की जिंदगी सबके लिए मौत का पैगाम। अब ये तुम पे है पाशी कि हमसे तावन करके तुम अपनी तरह लाखों इंसानों की जान बचाना चाहती हो, या हमसे कुछ छुपा कर उन सबकी मौत। नहीं नहीं नहीं, नहीं। भला मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? जी जी, क्यों नहीं पाशी, जो मुमकिन होगा वो आपकी मदद के लिए करेगी। बात खूब, बात खूब पाशी। ये लो, सच बोलने पे तुम्हारा इनाम। सलाज सच बोलने पर इनाम देता है, तोहफा देता है, और झूठ बोलने पर मौत। बड़ा आया दिलबर को मौत देने वाला, इससे पहले कि ये दिलबर तक पहुंचे मैं इसे दूसरे जहां तक पहुंचा दूंगी।
काम बहुत मुश्किल है, कोई बड़ा चक्कर चलाना पड़ेगा, भेड़ियों से मदद लेनी होगी, क्योंकि भेड़िये तो नेवलों को बड़े शौक से खाते हैं। मुस्कान मिल गई? हाँ बेटा, मुस्कान मिल गई। अल्लाह ने तुम्हारी फरियाद सुन ली। कहाँ थी वो? क्या बात हुई? मुझे जल्दी से बताएं। सब कुछ बताता हूँ, सांस तो लो। और फिर मैं पुलिस लेकर वहां पहुंचा। रुको, इंस्पेक्टर साहब, आप डैड को गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? बीबी, आपके वालिद रहमत ने आपके अगवा की दरख्वास्त दी है। अब्बा, आप जानते हैं कि ये मेरे ससुर हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? तो फिर मैं क्या करता बेटा? तू हवेली में थी नहीं और ये लोग आए बाएं शाएं कर रहे थे। मुझे शक गुजरा कि इन लोगों ने तुम्हें गायब कर दिया है या मार दिया है। कैसी बातें कर रहे हैं अम्मा? मैं जिंदा हूं, सलामत। इंस्पेक्टर, आप प्लीज डैड को छोड़ो। अब्बा, आप इनको बोले ना। जी रहमत साहब, आप अपनी दरखास्त वापस लेते हैं अब। और फिर पुलिस वाले चले गए। मगर चाचा, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि रायान कहाँ चला गया। कल रात तो हमारी तरफ आया था। हाँ बेटा, जहाँ मुस्कान के मिलने की खुशी हुई, वहाँ रायान के लापता होने का दुख भी हुआ।
आपने मुस्कान को बताया कि रायान हमारी तरफ आया था? नहीं बेटा, ये तो मैं बताना भूल ही गया। चलें कोई बात नहीं, मैं उसे फोन करके बता दूंगी। ठीक है, तुम उसे फोन पे बता दो। चल बेटा, मैं बहुत थक गया, एक गर्मा गर्म चाय का कप बना दो। अभी बना के लाइए। शाबाश। सितारे भी किस्मत का हाल पूछते हैं, किस डगर चले अपनी चाल पूछते हैं। हाकिम आलिम पेशगो सब मुझसे कल क्या होगा ये सवाल पूछते हैं। लेकिन एक सवाल ऐसा भी है जिसका जवाब काली के पास भी नहीं। वो सवाल है बका का, इंसानियत की बका का। इंसानी दुश्मन और गैर इंसानी मखलूकात के इस सियारे पे कदम जमने के बाद बकाए इंसानियत की जंग में इंसान कमजोर से कमजोर तर होता जा रहा है। शेर की तरह धाड़ने वाला इंसान गीदड़ की तरह पीठ दिखाए भाग रहा है, कभी अपनी जान बचाने के लिए और कभी दूसरों की जान बचाने के लिए। अगर खून के इस खेल को रोका ना गया तो कायनात का तवाजन बिगड़ जाएगा, इंसान की नस्ल खत्म हो जाएगी और जो बच जाएंगे वो एक दूसरे की बोटियां नोचेंगे। इच्छाधारी नाग नागने नेवले और भेड़ियों की नस्ल में से इंसान दुश्मन अनासर को जड़ से उखाड़ फेंकना बहुत जरूरी हो गया। अगर ऐसा ना किया गया तो क्यामत से पहले एक ऐसी क्यामत आएगी जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ऐ इंसानियत के दुश्मनों, मत भूलो कि काली अभी जिंदा है। जो जिंदगी भी है और मौत का सामान भी, जो फरिश्ता भी है और शैतान भी, जो बादे सबा भी है और तूफान भी, जो जामे हयात भी है और वबाले जान भी, और जब तक काली जिंदा है बका की उस जंग में जीतेगा इंसान और खाक होगा शैतान।